شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल अकॉर्ड. और अभी हम जा रहे हैं यहाँ रियाद से मदीना मुनव्वरा के लिए. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत काले और गहरे बादल हैं और ऐसा लगता है कि अभी बारिश होने वाली है. तो इस खूबसूरत मौसम और इस मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत जो सफ़र है तो उसे हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं. तो लाइक का बटन जो है वो आप अभी से ही क्लिक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. जहाँ तक नजर जा रही है सारा ये एरिया जो है फुल ग्रीन है. पहले यहाँ से गुजरा करते थे तो ये डेजर्ट या जैसे पहाड़ वगैरह वो नजर आते थे, लेकिन अभी माशाल्लाह जब से ये बारिशें वगैरह हो रही हैं तो पूरा जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है पहाड़ों के ऊपर और जो सैंड ड्यून्स बने हुए हैं और स्पेशली जो वादियाँ हैं वहाँ नीचे पानी है और दरख्त वगैरह है, ग्रास है, बहुत ही खूबसूरत है. देखने में लग ही नहीं रहा कि आप सऊदी अरेबिया में ड्राइव कर रहे हैं. जी अभी हम मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल करीब हैं और आप ये देखें माशाल्लाह इस तरफ कैसा मौसम है. और ये पानी का रेला चेक करें. हाँ जी अभी रास्ते में हम रुके हैं जैसे मैं जिक्र कर रहा था और पीछे इस तरफ से हम आए हैं रियाद से मदीना की तरफ और बहुत ही तेज़ बारिश थी जैसे आपने वीडियो में देखा. और अभी भी उस तरफ काफ़ी गरज चमक भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से ये सारा जो पानी है ये पूरी की पूरी आबशार बनी हुई है. ये अभी बड़ी ज़ोर से बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, पूरी पूरी आबशार पूरा दरिया बना हुआ है. और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ जाते हुए रास्ते में रुके हैं जैसे हमने भी गाड़ी रोक के और इसकी वीडियो बनाई. अभी बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ और अभी सूरज निकला है. यहाँ से देखें तो पूरी आबशार बनी हुई है, बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है इस तरफ और ये इस तरफ जा रही है. माशाल्लाह अभी इस तरह के काफ़ी सारे जो सीन अब पीछे आ रहे थे पहाड़ों के ऊपर से भी पानी आ रहा है हाईवे के ऊपर, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस भी है क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं और हवा तेज़ चल रही है, बारिश आ रही है, बारिश के साथ पानी आ रहा है तो क्वाइट डेंजरस एज वेल. तो इसमें बहुत ही केयरफुल ड्राइव करना चाहिए. अगर हो सके बारिश तेज़ हो तो हो सके किसी साइड पे रुक के बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए और फिर आगे जाना चाहिए. अभी चलते हैं जी मदीना मुनव्वरा इंशाल्लाह और फिर मदीना मुनव्वरा में मिलते हैं आपसे. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे. आप जैसा कि देख रहे हैं हम मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह तबारकअल्लाह. और ख़ास तौर पर इस वक्त इफ्तार का टाइम है और आप देखें हर तरफ जो है वो चहल पहल है. लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द वो मस्जिद नबी में पहुँचें. मैं भी चूँकि लेट हो गया हूँ तो अभी फौरी तौर पर चलते हैं मस्जिद नबी में. अज़ान होने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं. जी मस्जिद नबी में अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल हो गए हैं और सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन बि रहमतिक या अरहमुर राहिमीन. और आप ये देखें चारों तरफ लोग हैं माशाल्लाह, क्योंकि
जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था और मैंने बड़ी एफर्ट की यहाँ पहुँचने के लिए टाइम पे, अफ्तार में बस कुछ ही लम्हे बाकी हैं। यहाँ आके आप बाकायदा फील कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि रहमत बरस रही है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। ये अल्लाह तबारक वाले का ख़ास करम और रहमत है कि यहाँ आने का बार बार मौका मिलता है। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को, देखने वालों को अपने घर की और अपने हबीब के घर की ज़्यारत जो है वो नसीब फरमाए। सलाम अलैकुम। अभी अफ्तारी के लिए खजूर ले लेते हैं, कुछ और तो है नहीं पास में। जज़ाकल्ला, थैंक यू। इधर से अफ्तार पैक भी मिल रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि इस तरफ ही बैठ जाते हैं। टाइमली पहुंच गए हैं और ये खजूरें हमारे पास, इससे हम करेंगे अफ्तार इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, नमाज़े तरावी के बाद हम चले गए थे सलाम के लिए रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और वहाँ हमने सलाम पेश किया, अपनी अर्ज़ें दरख्वास्तें पेश की और ये दुआ की कि जितने भी लोग यहाँ मदीना मुनव्वरा में आना चाहते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको मक्का मुकर्रमा में आना और मदीना मुनव्वरा आना नसीब फरमाए। और अभी तक के लिए इतना ही, अभी कल जो मज़ीद कुछ जगह हम एक्सप्लोर करेंगे मदीना मुनव्वरा में इंशाल्लाह, तो वो भी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो से ही हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं खजूर मार्केट में, नई खजूर मार्केट है किंग फहद पार्क के साथ में, ये वो है, मैं इसकी लोकेशन में डाल दूँगा। मैं अभी आपको इनके प्राइसेस वगैरह वो भी दिखाता हूँ और जो हमने खजूरें यहाँ से ख़रीदी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम हाजा अजवा? हाजा अजवा 40 रियाल। 40 रियाल। हाजा जंबक 35। هذا 35 اوكي هذا مجدول رقم 3 هذا رقم 3 ايوه 30 هذا رقم 24 اوكي مجدول هذا كان صقعي 15 ريال رقم 2 ये सगई जो है ये 15 रियाल की है, ये कह रहे हैं कि सेकंड क्वालिटी है, ये थर्ड क्वालिटी मजदूल है, ये 20 रियाल की है, هنا في رقم 1 और ये नंबर 1 सफावी, هذا सफावी नंबر 1 है, ये 30 रियाल पे किलो है। هذا اجوا نمبر 1 شوف ما شاء الله تبارك الله ये जवाब दे रहे हैं, ये नंबर 1 क्वालिटी 55 रियाल में। هذا مجدول ملكي رقم 1 50 किलो, माशाल्लाह माशाल्लाह गुड साइज। ये देखें जी साइज़ इसका, देखें कितना जबरदस्त है। यस माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत अच्छा जबरदस्त साइज है। 50 रियाल पे कम आखिर हाजा आखिर हाजा 45 नंबर 2 नंबर 3 हाजा मजदूर। ये भी इसकी देखें आप क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है, ये नंबर 1 है जो आपकी राइट साइड पे, ये नंबर 2 है, ये 50 है और ये हाजा मलकी 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 हाजा 45 45 यानी ये 45 है। ये हाजा 30
माशाल्लाह। इनकी ये चीज है कि ये बिल्कुल नरम दाना है, जैसे मलकी ये कह रहे कि किंग्स वाली क्वालिटी है, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल रियाज से नहीं लेते ना तो ये बहुत सख्त होता है, बहुत सख्त होता है ये खजूर का साइज तो यही होता है, लेकिन ये चूंकि सीजन में आ रहे हैं। अंबर नंबर वन मदीना ये अंबर है जी, ये आप देखें इसका साइज, ये मेरे हाथ जितना साइज है इसका माशाल्लाह, और ये भी 50 रियाल है। ये जो मार्केट है इसका रेट जो मदीना मुनव्वरा में हरम के करीब मार्केट्स या शॉप्स नज़र आती हैं उसके मुकाबले में बहुत ही मुनासिब है। अभी तो इस वक्त मार्केट ये सारी जो है ना यहाँ पे होलसेल और जैसे वो बोली वगैरह लगती है ना ये सारी वो हैं, तो उस वजह से इनका जो रेट है वो बहुत ही मुनासिब और ज़बरदस्त है, और रेट से ज़्यादा जो है ना क्वालिटी है। आप किसी भी खजूर को, जैसे ये कह रहे हैं कि नंबर वन सफावी है, इसको आप हाथ लगाएं तो ये बहुत नरम और फ्रेश ताज़ा आपको नज़र आती है। हमने कुछ ये सुकई ली है, और उसके बाद हमने लिया है ये अजवा लिया यहाँ से, और उसके बाद दिए हमने सफावी। तो अभी चलते हैं जी वापस मस्जिद नबी की तरफ, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। शुक्रन लक या शेख। शुक्रन मस्मिक अबू रियाल शुक्रन। सलाम वरहमतुल्लाह जी। अस्सलामुअलैकुम। और आज हमारा मदीना मुनव्वरा में यहाँ दूसरा दिन है, और इस वीडियो को हम कल वाले ब्लॉग के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कल बस सलाम के लिए गए, तरावी के बाद सलाम के लिए गए, और उसके बाद खाने के लिए चले गए। आज डे में हम गए थे खजूर मार्केट, गए थे कुछ हमें खजूर बाय करनी थी। चलते हैं दोबारा इंशाल्लाह मस्जिद नबी के अंदर। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम अर्श फर्श है जिसके जेरे नगी। जी इस वक्त तो हम मस्जिद नबी में मौजूद हैं, और अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और सुपरा लग गया है, अफ्तारी आ गई है सामने। और अफ्तारी में एज़ यूजुअल यहाँ वो दही मिलता है, दही के साथ एक बन है वो मिलता है, एक मसाला है जिसको दुग्गा बोलते हैं, ये दही में शामिल करके इसके साथ खाते हैं, और ये कुछ क्रोसेंट्स हैं, और इसी तरह ये चीज़ वगैरह या भी समझ। अभी हम इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे, मज़ीद कुछ 10 मिनट हैं यहाँ अफ्तारी में, और उसके बाद इंशाल्लाह अफ्तार करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इस व्लॉग को फिर यहीं पेंट करते हैं। आई होप के आपको ये सारी मदीना मुनव्वरा की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इफ्तार और मस्जिद नबी के मंजर और वो सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।